नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट XBB.1.5 ने भारत में दस्तक दे दी है। भारतीय सार्स कोविड 2 जीनोमिक कंसोर्टियम के डेटा के अनुसार ओमिक्रॉन के XBB.1.5 सब वेरिएंट ने दिसंबर में ही भारत में धावा बोल दिया है। इस वेरिएंट का पहला केस गुजरात में मिला है। कोरोना ने नए वेरिएंट BF7 के बीच ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट टेंशन बढ़ाने वाला है। इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में आ रहे हैं। दरअसल XBB.1.5 ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है जिसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने न्यूयॉर्क में कोविड मामलों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही न्यूयॉर्क के अस्पतालों में भर्ती अधिकांश कोरोना पेशेंट्स इन वेरिएंट से पीड़ित हैं। XBB वेरिएंट BA.2.10.1 और BA.2.75 से मिलकर बना हुआ है। ये भारत के अलावा दुनिया के 34 अन्य देशों में भी फैला हुआ है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन परिवार के सभी वेरिएंट की तुलना में सबसे खतरनाक है। भारत में फिलहाल BF7 के मामले गुजरात और उड़ीसा में मिले हैं। गुजरात में BF7 से पीड़ित कोरोना पेशेंट के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ओमिक्रॉन के XBB.1.5 ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। महाराष्ट्र में XBB सब वेरिएंट के 275 से अधिक मामले हैं, लेकिन XBB.1.5 एक अलग किस्म का सब वेरिएंट है। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन XBB के परिवार से जुड़े होने के कारण इस सब वेरिएंट के मामूली प्रभाव होने की संभावना है। कोरोना वायरस कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।